वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो चश्मे पे सामने मैंने लगा रखी है ना, ये लाइट भी चश्मे में पड़ रही है, एक बार इसको हटा देते हैं। तो नए व्लॉग में आपका स्वागत है। पापा जी, कहाँ से लाऊं इतनी छोटी पेन? अलमारी में नहीं है। अलमारी में नहीं है तो अलमारी में जाके देखो ना, वहां पर नहीं है गुगू दीदी। ओके, सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैंने व्लॉग बहुत ही ज्यादा लेट शुरू किया है, और लेट शुरू करने का कारण ये है कि मैं बहुत बिजी था। ये रखा है मेरा लैपटॉप और मैं बना रहा था एक वीडियो सुबह से, और उसके बाद बहुत सारे छोटे 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 काम किए थे। सामान मैं घर का कुछ लेके आया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना कैमरा को वहाँ नहीं लेके गया। और अभी मैं जा रहा हूँ लस्सी लेने। लस्सी यानी कि वो जो उससे निकलता है ना मट्ठा, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, बटर मिल्क। तो बटर मिल्क लेने जा रहा हूँ और वो मैं लाने वाला हूँ फ्री में। क्या क्या हुआ, तेरी आँख में क्या हुआ? देखो इसकी आँख में कुछ हो गया। दिखा अपनी आँख। इधर देख पापा, मैं नहीं कुछ आ रही थी ना वापस। हाँ, इसकी आँख में कुछ हो गया। हाँ, और ये इसकी फ्रेंड है। हाँ जाओ फ्रेंड के पास जाओ। सो मैं ये कह रहा था आप लोगों को, कि इसकी आंख में थोड़ा सा कुछ हो गया है और अब मेरे को जाना है लस्सी लेने। और घर में आज कड़ी चावल बने हैं और मैं आऊंगा तो कड़ी चावल खाऊंगा। तो चले चलते हैं, चाबी उठा लेते हैं। और हाँ, आज एक और काम करना है। आज मैंने अपनी बाइक की चेन को ल्यूब करना है, और मैं नए तरीके से ल्यूब करूंगा। और अगर मैंने करी तो आपको दिखाऊंगा, नहीं करी तो नहीं दिखाऊंगा। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद मैं ना करूं, शायद मैं करूं, मेरा कुछ भी भरोसा नहीं है। तो ये खड़ी है अपनी बाइक, और बाइक बहुत गंदी हो गई है, काफी दिनों से चली नहीं है। और यहाँ पर चेन में ना ल्यूब लगाना है। ये देख रहे हैं आप, ये ल्यूब है, ये चमक रहा है, ये चमक रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो चमक रहा है ये ल्यूब है, ठीक है। और इसको धोना है, धो के ल्यूब लगाना है। सो अब हुआ ऐसा कि अगर आज टाइम मिलता है तो फिर इस पर ल्यूब लगाएंगे। तब तक इसको साफ करते हैं बाइक स्कूटर को। ये भी बहुत गंदा हो गया क्योंकि मैं कपड़ा नहीं मारता, क्योंकि चीज़ें आपकी साफ होती हैं तो नजरें लग जाती हैं, तो गंदी रखो। तो अभी आपका भाई कर रहा है मोटो व्लॉगिंग। मोटो व्लॉगिंग कैसे, कैमरे से। और भाई साहब बहुत मज़ा सा आता है इस तरह से व्लॉग करने में। बहुत ही ज़्यादा रिस्की शॉट है ये, क्योंकि यहाँ पर कैमरा मैंने अपने हाथ से पकड़ रखा है, एक हाथ में स्कूटर है। वाओ, बड़ा मज़ा आता है ऐसे करने में। लेकिन आप डोंट ट्राई दिस एट होम। नहीं नहीं, होम में तो कर भी नहीं पाओगे, डोंट ट्राई दिस एट रोड। पर मैं भी तो रोड पे कर रहा हूँ, पर आप मत करना, क्योंकि हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो जाए। लेकिन मुझे तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि मुझे ये सब करने की बहुत प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, बचपन से प्रैक्टिस है। अब तो मैं उड्डा होने को आ गया हूँ। तो अभी अभी मेरे को याद आया कि कल जो मैं लस्सी लेके आया था जिस बोतल में, वो बोतल मुझे वापस देनी थी, मगर वो बोतल लानी मैं भूल गया हूँ। तो यार अब दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगर आज लेनी है लस्सी तो कल भी लेनी है, और कल भी लेनी है तो मेरे को बोतल तो चाहिए होगी ना, और बोतल मुझे वापस देनी थी। तो यानी कल जब मैं आऊँगा तो बोतल लेके आऊँगा। यार गड़बड़ होगी आज। ये यहाँ पर लगा हमारे देश का झंडा, और ऐसे झंडे ना दिल्ली में बहुत जगह लगे हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये खेत है सारे, ये उसके उस साइड जमुना है, और ये सड़क है, और ये है संत नगर, और मैं जा रहा हूँ बुराड़ी। और यहाँ पर ना स्कूल बहुत है, यहाँ पर आपको आगे एक स्कूल दिखेगा। अरे दो कुत्ते घूम रहे हैं बढ़िया वाले। यहाँ पर आगे आपको स्कूल दिखेगा, एक ये स्कूल है और एक पीछे स्कूल था जिसकी छुट्टी हुई थी, वहाँ पर मैंने कैमरा नहीं निकाला। और भाई साहब बहुत सारे बच्चे थे, सारे सब्सक्राइब कर लेते, सब्सक्राइबर बहुत बढ़ जाते, इसलिए मैंने निकाला नहीं। हाँ, तो आप कर लेना। ओहो, ये मस्त मस्त चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं, ये शायद शादी वादी के लिए है। ओहो, ये क्या हो रहा है? अच्छा, गीजर का सीजन हो गया ना यार। हमने एक साल पहले अमिल के होते ना, तो मैं अपने घर में यही वाला गीजर लगाता यार। बता दो, बंद कर दे। सच बता रहा हूँ मैं, बंद कर दे। तुम्हारे को मशहूर कर रहा हूँ मैं, मशहूर। तो भैया अभी यहाँ पर आइए चाउमीन। तो घर में भी कड़ी चावल बने हुए हैं, लेकिन चाउमीन खा रहे हैं हम। और वो बड़ी हमारी बोतल, ये हमको लेके जानी है। और इसको बड़ा व्लॉग में आने का शौक है भैया, इसको देख लो, इस बंदे को, इस भाई को, ठीक है। ये कह रहा चाउमीन खा लो। अब इतने सारे लोग देखेंगे तो जाके जाके घर को, घर में सबको चाउमीन सप्लाई करियो, ठीक है? ठीक है, डन। सो गाइस, अब चलते हैं हम घर। ये लेने आया था मैं, पाँ की टांग टूट गया। अबे तो टूट ही गया यार, गिर गया, टूट गया ना ये। हाँ हैंडल आ जाओ, वाला छोड़ दो। थोड़ी देर में चलेंगे। फोन
फाड़नी है। अरे चाबी तो ले लो, हाथ जोड़ के चाबी ले लो, चाबी चाबी चाबी। सो अब हम जा रहे हैं घर का सामान लेने, शाम हो चुकी है। मैं सो गया था, सो के उठ भी गया था, आया था ना तो आके सो गया था। इस कमरे में अंधेरा हो रहा है, लाइट जलाऊं क्या? देखो लाइट लाता हूँ, ये तो मैं दोबारा बताता हूँ कि मैं सो गया था और अब हम जा रहे हैं घर का सामान लेने थोड़ा बहुत। कल करवा चौथ है ना, तो करवा चौथ का सामान लेके आना पड़ेगा, जरूरी है ना। हाँ जी क्या? अच्छा चलो आ जाओ। तो भाई डिमांड आई है कि बाइक पे जाना है, स्कूटी पे नहीं जाना है, स्कूटी पे चल लो। तो इसको साफ करना पड़ेगा, पहले बोल देती मैं साफ कर लेता इसको। तो जी बाइक साफ हुई है कई दिनों बाद, और सच बताऊं आपको आज मैंने इसके अंदर ल्यूब लगाना था और वो भी लगाना रह गया, और ल्यूब इसका रहता जा रहा है बार 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 बार, चार दिन हो गए। मैं सोचे जा रहा हूँ लेकिन लगा नहीं पा रहा हूँ। अच्छा मुझे बात बताओ, वो जो जैसा आपने ज्यादा पहन के ले लो? नहीं मैं नहीं लगती हूँ, जो हूँ ऐसी बहुत अच्छी हूँ। गालियाँ ने पहना था क्या? हाँ जी गालिया, मुझे जो है ना इस टाइप में सिंपल में दिखा दो। आलिया बिल्कुल किसी अन्य कोई टाइप की तो जी आलिया ले लिया, आ जाएगा आलिया, आ गया। अरे आ जाएगा, आ जाएगा पीछे वो डोरी भी तो बांधने के लिए। मैं कहता हूँ चल जाएगा, नहीं इस टाइप में नहीं होगा, जैसे ये है पहन के देखो। पहले अट्टे को मिला दिया, मेरे घर पे भी सो रहे हैं, अब हेल्थी है, सब खाते पीते घर के आज कल इसके साथ। मैं सिर्फ क्या ही बोलूँ, आप क्या चुन्नी कौन सी है, इसकी चुन्नी क्या है। ढूंढ ढांड के हमने सूट तो ले लिया और अब हम जा रहे हैं घर, और जो सूट मिला बड़ी मुश्किल से मिला एक्चुअली। आज तो मुझे लगा कि कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन मिला बढ़िया और मिला सस्ता भी। तो ये हमारे यहाँ की संत नगर मेन मार्केट। दोबारा अरे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा, वाओ यहाँ पे सेलमैन ही करने लग गई है, नकली बाल हैं ये, कितने भारी हैं ये, बिल्कुल ऐसे स्मूथली इधर उधर हो रहे हैं। ये छतरी का टाइम है, छतरी का टाइम नहीं है, ये छतरी की जिद कर रही है, बताओ। बारकोड नहीं है, अभी ले लेंगे, क्योंकि आपको दिलाऊंगी ना, आपको पता है ना मैं कब दिलाऊंगी, दिवाली से पहले सब दिला दूंगी। बोलती ना तेरी हरकतें, ये देख रहे हो। आज जो मैं छाछ लेके आया था, उस छाछ से मैंने बनाई है ये हरी चटनी, और ये चटनी बनाने का फार्मूला मैं आपको बताऊंगा तब जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करके कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, तब मैं आपको ये हरी चटनी बनाने का फार्मूला बताऊंगा। ये चटनी बहुत ही टेस्टी है और घर पे बनी है, और बहुत सस्ते में और बहुत ही बढ़िया चटनी बनी है। तो आज मैंने सोचा था कि मैं ये बनाऊंगा, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले कहीं खाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इसको बनाने का एक मकसद भी है, वो आपको आगे कभी पता लगेगा। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और चटनी का फार्मूला बताऊंगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।